कमजोरियां जो प्रार्थना को मजबूत बनाती हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास खाली हाथ, थके हुए और बोझ से दबे हुए भी आएं। हम शायद सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाने से पहले अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन बस प्रार्थना करने में और सच्चाई से प्रार्थना करने में बहुत फर्क होता है। देखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन बस यूं ही की जाने वाली प्रार्थना अक्सर जिम्मेदारी और अपराध बोध की भावना से आती है, जबकि सच्ची प्रार्थना इस विश्वास से आती है कि मैं अपने दम पर जिंदगी जीने में पूरी तरह असमर्थ हूं, या दूसरों के लिए प्रार्थना करने के मामले में कि मैं परमेश्वर की कृपा और शक्ति के बिना दूसरों की मदद करने में पूरी तरह असमर्थ हूं। काना के विवाह में मरियम द्वारा यीशु से किया गया अनुरोध, उनके पास दाखरस नहीं है, यूहन्ना 2:3 सच्ची प्रार्थना का एक आदर्श उदाहरण है। प्रार्थना करना मतलब अपनी असहायता को यीशु के पास लाना। यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं कि लोग अपनी लाचारी के कारण यीशु के पास आते हैं। सामरी स्त्री के पास पानी नहीं था, यूहन्ना 4। उसी अध्याय में आगे अधिकारी के बेटे की तबीयत खराब थी। बेथेस्डा के कुंड के पास अपंग व्यक्ति को पानी में उतरने के लिए कोई मदद नहीं मिली, यूहन्ना 5। भीड़ के पास रोटी नहीं थी, यूहन्ना 6। अंधे व्यक्ति की आंखें नहीं थी, यूहन्ना 9। और अंत में लाजर के पास जीवन नहीं था, यूहन्ना 11। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कमजोरियों में भी प्रभु से निपटे रहना ही मसीही जीवन का तरीका है। पौलुस को यह याद दिलाया गया जब उसने परमेश्वर से अपने शरीर से कांटा निकालने के लिए 3 बार प्रार्थना की, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय परमेश्वर ने पौलुस को याद दिलाया कि सुसमाचार कैसे काम करता है। पौलुस लिखते हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जिस चीज से हमें एलर्जी है, हमारी लाचारी, वही प्रार्थना का काम करती है। परमेश्वर अपने पुत्र की योग्यता को देखते हैं, लेकिन प्रार्थना में हमारे उससे बोलने का इंतजार करते हैं।